हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी व्हाट्सएप पे कोई कॉल करता है तो आपको पता नहीं चलता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल करता है तो वो स्क्रीन पे क्यों शो नहीं होता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी हमें कॉल करता है तो हमें हमारे फोन की स्क्रीन पे कॉल आता ही नहीं है और पता नहीं चलता है कि व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और यहाँ पे चलिए मैं सबसे पहले व्हाट्सएप आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये रहा व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप उन्हें ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने कॉल किया था, 5 बार यहाँ पे कॉल आया हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पे मुझे ना इसका नोटिफिकेशन आया और ना ही मुझे पता चला और ना स्क्रीन पे आया कि कॉल आया हुआ था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कोई भी मुझे कॉल करता है तो अगर मैं व्हाट्सएप को कट कर दूंगा, अगर मैं व्हाट्सएप को यहाँ से हटा दूंगा तो मेरे फ़ोन में रिंगटोन तो बजता है लेकिन पता नहीं चल स्क्रीन पे नहीं आता है और ना ही कहीं शो करता है। चलिए मैं आपको एक बार कॉल करके दिखाता हूँ अपने दूसरे व्हाट्सएप से। तो ये मैंने कॉल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंगटोन जो है वो यहाँ पे बज रहा है लेकिन कहीं भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है कॉल रिसीव करने के लिए। नोटिफिकेशन में भी आप देख लीजिए, कहीं भी हमें कॉल का ऑप्शन नहीं आता है। जब हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे खोलेंगे अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल जो है वो ऊपर में ऐसे शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वही देखने वाले हैं। तो इसका एक ही प्रॉब्लम होता है, जो हमारा सेटिंग होता है वो बिगड़ जाता है जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसे हम ठीक करने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा कॉल्स, कॉल्स का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिंगटोन है वो आप जो भी रिंगटोन यूज करते हैं उसमें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये वाला यूज करता हूँ, तो ये मैंने यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और वाइब्रेशन में यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और अब यहाँ से हमें बाहर आ जाना है और अब आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन के जितने भी ऐप्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको WhatsApp को ढूंढ लेना है, तो चलिए मैं ऊपर में ही सर्च कर लेता हूँ WhatsApp को। तो ये रहा WhatsApp सबसे ऊपर में, इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन सेटिंग दिखेगा, मैनेज नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैनेज नोटिफिकेशंस, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ से बंद हो गया हुआ है, जिसके कारण से हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल्स का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना पता चलता है। हमें इसे ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जितने भी सेटिंग्स हैं नीचे जो दिख रहे हैं वो सभी के सभी ओपन होना चाहिए। नीचे एक कॉल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप में दिया हुआ है नीचे दिया होगा कॉल नोटिफिकेशन, तो ये ऑफ नहीं रहना चाहिए, ऑन होना चाहिए। और ऑन करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब वापस से हम व्हाट्सएप पे अपने दूसरे नंबर से कॉल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा कॉल आता है या नहीं। तो चलिए कॉल करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कॉल किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल जो है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कॉल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं इसे रिसीव कर सकता हूँ या फिर इसे काट सकता हूँ। और व्हाट्सएप में भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पता चल गया कि किसी ने कॉल किया है। तो ये प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से हमारा जो कॉल है वो कहीं भी शो नहीं करता है हमारे फ़ोन में, और आप इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से ठीक कर सकते हैं।